पहले से दारू महंगा मिल रहा है कि सस्ता मिल रहा है? नहीं, महंगा बहुत है, गरीब आदमी कहाँ से पिएगा? जो पैसा कमावे ला टमाटर बेच रहे हैं, काय करे बहन जी? हाँ। पहले से तो बहुत दारू महंगा हो गया साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई आपने आज तक स्पाइडरमैन के किस्से सुने होंगे, आयरन मैन के चर्चे सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे बड़े खर्चे करने वाले गुटका मैन से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, गुटका मैन। इनका मुंह नहीं, गुटके का डब्बा है जिसमें जितना डालो कम ही पड़ता है। सिर्फ गुटका मैन ही नहीं, वैसे आपको पता है आपकी तरह बंदर भी सुंदर लड़कियों को देख अपनी तबीयत हरी करने से पीछे नहीं हटते हैं। वेल, अगर नहीं पता है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज की हमारी वीडियो देखने के बाद आप तो खुशी से मालामाल हो जाएंगे, इसलिए एक भी क्लिप मिस मत कीजिएगा। चलिए फिर देर किस बात की, चलिए सबसे पहले मिलते हैं बड़े खर्चे करने वाले गुटका मैन से। इनका मुंह देख के तो आप समझ गए होंगे कि ये तो गुटका कंपनियों को करोड़ों का फायदा करवा देते होंगे। वैसे आपकी सोच सही भी है, क्योंकि भाई साहब अपनी पूरे दिन की कमाई से सिर्फ गुटके उड़ाते हैं, और अगर कभी इन्हें पैसे ना मिल पाए तो जनाब घर का सामान बेच बूच कर गुटके की दुकान घर ही ले आते हैं। खास बात यह है कि भाई साहब एक बार में एक, दो या फिर तीन नहीं बल्कि पूरे 10 गुटके घटक जाते हैं। तो देखो इनका गुटके का गटर मतलब कितना गंदा है। खैर अपना अपना शौक है। वैसे बता दे कि ये जनाब अलीगढ़ के रहने वाले हैं, नाम है बंटी। भाई साहब छोले भटूरे की दुकान पर काम करते हैं, लेकिन दोस्ती गुटकों से रखते हैं। इनके दोस्त इन्हें गुटका मैन कहते हैं, जिनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की लाइनें भी लगी रहती है। आजकल तो भाई साहब सोशल मीडिया पर भी डाका डाल बैठे हैं। भाई इस गुटका मैन के लिए कमेंट में दो शब्द तब बनते हैं। वैसे दोस्तों मेरी तरह आपने भी बचपन में बेड के गद्दे पर, ट्रैम्पोलिन पर, जिसे वेजिटेरियन भाषा में उछल पट्टक कहते, पर कूदा कूदी तो जरूर मचाई होगी। वैसे मजा भी बड़ा आता था। फिर ये बात हुई लोगों द्वारा बनाए गए आइटम्स की, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे प्यारे से भारत में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर आप बिल्कुल इसी तरह का आनंद लूट सकते हैं। जी हाँ, आपके कूदने पर यहाँ की जमीन भी आपके साथ उछल कूद करेगी। दोस्तों इस अनोखी जगह का नाम है मेंटॉप, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ की मिट्टी दलदली है, जिस पर कूद कर आप अपनी बरसों की हसरत को पूरा कर सकते हैं, बोले तो धरती हिलाने का सपना पूरा कर सकते हैं। और कई लोग यहाँ धरती हिलाने आते भी हैं, है ना मजेदार? वैसे आप पहले कभी इस जगह पर गए हैं? अगर हाँ तो नीचे हमारे साथ शेयर कीजिए। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। देखो ये दुनिया नमूनों और कलाकारों से भरी पड़ी है। किसी के पास टोपी पहनाने का हुनर है तो किसी के पास टोपी घुमाने का, कोई अपने इन्वेंशन से हमें धक्का देता है तो कोई बिना इन्वेंशन के कमाल कर देता है। ऐसा ही एक हुनर हमारे इस देसी खिलाड़ी के पास भी है। ये भाई साहब दूसरों की मिमिक्री तो नहीं करते, लेकिन फिर भी जनाब की जुबान में जादू है बॉस। ये भाई साहब अपने मुँह से ट्रक बस और कई वाहनों के ऐसे हॉर्न बजाते हैं जैसे खुद ट्रक हॉर्न बजा रहा हो। अब बड़का हो बॉस के हॉर्न बजाओ तो आनंद बॉस के हॉर्न बजाओ, आनंद बॉस राणा बॉस के हॉर्न बजाओ। ओ तेरी कान में उंगली और मुंह से हर सायरन बार है, वाह ऊपर वाले वाह, क्या हुनर बख्शा है जनाब को। आपके लिए हमारे सारे सब्सक्राइबर्स लाइक की बौछार जरूर करेंगे, करेंगे ना। अरे इशिता देखो ये जिंदा, इशिता देखो ये जिंदा है। भैया ये डायलॉग तो आप सभी को याद ही होगा, ये डायलॉग है वेलकम मूवी का। लेकिन मुद्दा मूवी नहीं है, मुद्दा है मूवी का वो सीन जब घुंगरू भाई साहब जिंदा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी घुंगरू भाई साहब की तरह एक शख्स अपनी कब्र से उठ खड़ा हुआ है। खड़ा भी ऐसे वैसे नहीं, रावण की तरह हंसते हंसते बाहर निकला है। देखिए ओरी मोरी गंगा मैया, कहीं ये भूत तो नहीं है। भाई सुंदर लड़कियां दिख जाए तो किसकी तबीयत ना मचले, हर किसी की मचलती है। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा सिर्फ हम इंसानों के साथ ही होता है? ना जी ना, ऐसा तो हमारे पूर्वजों के सगे संबंधी यानी बंदरों के साथ भी होता है। यहाँ दीदी छोटे बंदर से दोस्ती करने के चक्कर में है, लेकिन छोटा बंदर अभी से दीदी के चक्कर में है। देखिए ओहो, मौके पर चौका है, डायरेक्ट चुम्मी, इसे कहते हैं डॉन। वाह भाई वाह। आजकल तो चच्चा लोगों का भी जवाब नहीं है, मतलब चच्चा लोग नौजवानों पर भारी पड़ रहे हैं। यहाँ देखिए भाई साहब अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक चच्चा अपनी साइकिल से जाते हुए नजर आते हैं। जनाब अपनी बाइक निकालने की कोशिश करते हैं कि तभी चच्चा को जोश चढ़ जाता है और ये अपनी साइकिल को रॉकेट में बदल देते हैं। भाई चचा, 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 भाई चचा,
बाकी घर सबसे अलग सबसे असली जितन ख्याल पर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम रखते मुट्टी में हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर मैं बाजीगर सबसे अलग सबसे असली। अरे हाय चचा पुराना खून बोल रहे हैं हाँ। अरे अरे संभाल के चचा कि टेंशन दिखाने के चक्कर में गोटे मुंह में ना आ जाए। दोस्तों कहते हैं कि हमारे चच्चा लोग बड़े शर्मीले होते हैं लेकिन असल में ऐसा है नहीं। मतलब कुछ चच्चा था तो बिल्कुल हमारी कहावत के हिसाब से शर्मीले और शांत बोले तो प्रभु का नाम जपने वाले होते हैं लेकिन कुछ ताऊ तो अपनी जवानी को दोबारा बुलाने की फिराक में होते हैं। अब यही देख लीजिए दोनों ताऊ अपनी अर्धांगिनियों को पहले ही राम भरोसे कर चुके हैं और अब दोनों अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में भी है लेकिन इनमें से एक ताऊ को अब लव मैरिज ज्यादा आ रही है। सुनिए तो इनके हिसाब से लव मैरिज का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में गई के नाता ने लव मैरिज दूसरी शादी। अरे हाय ताऊ लव मैरिज बोले तो दोबारा शादी है। अरे ताऊ थोड़ा भटक गए हो ट्रैक पर आ जाओ ट्रैक पर वरना समय से पहले बुला लिए जाओगे। हम भारतीयों का ना अंदाज ही निराला है बॉस तभी तो सब हमसे जलते हैं सही कहा कि नहीं। जिनको लगता है सही वो लाइक करे और बाकी सभी नौजवानों से मिले ये नौजवान ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरती का दीदार कर रहे हैं। पहले बता देता हूँ कि ये अपने हरियाणा के हैं सभी बीच पर घूमने के लिए गए हुए हैं लेकिन वहाँ पर घूमते हुए जोर जोर से गाने बजा रहे हैं। आप भी सुनिए कौन से गाने बजा रहे हैं। आए हम बाराती आए हाय आए हम बाराती बारात लेके जाएंगे हम ऑस्ट्रेलियन को साथ लेके वाह 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 क्या बात है। शादी के बाद मम्मी पापा के साथ ना रहने का भैया एक फायदा तो है जब मन करे तब शुरू हो जाओ है कि नहीं। लेकिन सोचिए अगर अचानक बिना सूचना के माता पिता सुबह की ट्रेन पकड़कर आधमके और आप अनजाने में बीवी से लिपटा लिपटी मचा दे तो क्या होगा जनाब। वेल इमेजिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऐसा कांड हो चुका है। अरे तू भाई क्या कर रहे हैं यार तू अब तेरी अंकल आंटी का रिएक्शन तो देखो ये क्या कर रहा है बेशरम जरा भी शर्म नहीं आई। इन दोनों मजेदार क्लिप्स के बाद अब बारी है दो महिला पुलिसकर्मियों की एक अजीब सी क्लिप की। अजीब सी इसलिए क्योंकि यहाँ पापा की परियों को पुलिस में भर्ती होने के बाद भी दिमाग नहीं आया। दरअसल यहाँ एक चच्चा जो कि स्कूल में टीचर है अपनी साइकिल से जा रहे थे इतने में चच्चा का बैलेंस बिगड़ा और चच्चा धड़ाम मतलब गिर पड़े। बेचारे बुजुर्ग थे इसलिए उन्हें उठने में थोड़ी सी देर हो गई और ऐसा सभी के साथ होता है। इतने में वहाँ दो महिला पुलिसकर्मी आई और चच्चा को उठा। नहीं नहीं इन देवियों ने चच्चा को उठाया नहीं बल्कि उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। जी हाँ जो कि हम आपको दिखा नहीं सकते वरना यूट्यूब हम पर लाठीचार्ज कर देगा। खैर चच्चा को उठने में देर हो गई जिस वजह से पीछे ट्रैफिक लग गया बस फिर गया था दोनों ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया। चलिए पहले ये वीडियो देखिए। స్టేషన్ నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది డోర్ దిగడానికి ఉండదు అన్న ఏదో తేడాగా ఉందండి कुछ समझ आया नहीं आया ना। हाँ भाषा अलग है कैसे समझ आएगा। चलिए कोई बात नहीं हम समझाते हैं। असल में ये सीन है वंदे भारत ट्रेन का। अब आप तो जानते ही हैं आजकल लोगों को सेल्फी लेने का कैसे भूत सवार है। सेल्फी के चक्कर में लोग कई बार अपनी जान खतरे में डाल देते हैं तो कई बार फ्री में सफर कर लेते हैं। यहाँ भी ये जनाब सेल्फी के चक्कर में फंस चुके हैं। दरअसल 15 जनवरी को सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत ट्रेन चली। अब इस ट्रेन में इन जनाब को सेल्फी लेकर दोस्तों के बीच रोब झड़ना था इसीलिए जनाब सेल्फी के लिए ट्रेन के अंदर चढ़ गए लेकिन जनाब कुछ समझ पाते इससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी और दरवाजे ऑटोमेटिक होने की वजह से लॉक हो गए जिस वजह से भाई साहब उसे खोलने के लिए हाथ पैर मारने लगे लेकिन अफसोस जनाब को पूरा रास्ता ट्रेन के अंदर ही तय करना पड़ा यानी कि एक सेल्फी जनाब को पड़ी पूरी 150 किलोमीटर की। जब तक हमारी दुनिया में सोशल मीडिया नहीं आया था तब तक हमें लगता था जैसे पाकिस्तान के फंक्शन में नाच कूद तो होता ही नहीं होगा मस्ती वस्ती होती नहीं होगी ये सब तो हमारे यहीं होता है लेकिन सोशल मीडिया के आते ही हमारी सभी गलत फहमियों को कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। पहले मेरा दिल ये पुकारे आजा यानी हरे सूट ने कमाल किया और अब मोहर रंग दो लाल यानी ब्लैक लहंगा तहलका मचा रहा है। देखिए देखिए एक और पटकड़ी का डांस मैं तो तेरी छू रही हूं तो
आय हाय दिल का ठंडक मिले। खैर बता दूं कि ये मोहतरमा पाकिस्तान से हैं, जिनका ये डांस आजकल सोशल मीडिया पर नाक की तरह फैल रहा है। फैंस भी इन्हें खूब सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे मस्त भी है। हाँ हाँ छोरी की बात कर रहा हूँ, डांस की नहीं, डांस तो सभी करते हैं। हाँ तो भाई उम्मीद है वीडियो देखकर मजा आया होगा, हंसी आई होगी। अगर हाँ तो फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसी और आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। और हाँ मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको इन सभी क्लिपों में से कौन सी क्लिप सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।